प्रियो जय मसीह की, कैसे आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु में स्वस्थ हैं और उसके कार्य में मस्त हैं और आप व्यस्त हैं। प्रभु का धन्यवाद कि आप वचन सुन रहे हैं। हम मरकुस के किताब उसके 5 अध्याय के अंत में आ चुके हैं और पिछली वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्रियो आप कमेंट लिखकर प्रभु की महिमा करें और जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आशीष की भागीदार बनेगा। वचन देकर बल पाएं, ताकत पाएं और प्रभु आपको यीशु परमेश्वर यीशु के नाम में आपको चंगाई दे। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि याईर की बेटी को प्रभु ने देखा और भीड़ को अलग कर दिया और 3 बंदों को पतरस याकूब यूहन्ना को साथ ले लिया, याईर को साथ ले लिया और भीड़ से कहा, तुम क्यों हल्ला करते हो, चिल्लाते हो, क्यों रोते हो, लड़की मरी नहीं, सो रही है। आगे बढ़ते हैं 40 पद 5 का 40। वे उसकी हंसी करने लगे परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को साथ भीतर लिया जहां लड़की पड़ी थी गया। वचन बता रहा है कि हंसी करने लगे। कारण हंसी क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो मरे को देख रहे थे। हंसी इसलिए कर रहे थे क्योंकि यीशु ने ऐसा कुछ कह दिया था कि लड़की सो रही है, मरी नहीं है। वो कह रहे वो सो रही है तो हम क्यों रो रहे हैं? हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो मर गई है और लड़की यीशु ने कहा वो सो रही है, ये कह रहे हम रो रहे हैं, हम रो रहे हैं क्योंकि वो मर चुकी है। और ये साबित करता है हमारा रोना कि वो मरी हुई है, हमारा रोना व्यर्थ हो जाएगा अगर वो जिंदी है। हम तो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो मर गई है। हम ठट्टा और हल्ला इसलिए कर रहे हैं, हाय हाय हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो मर गई है। हम विलाप इसलिए कर रहे हैं, चिल्ला इसलिए रहे हैं कि 12 साल की बेटी मर गई है और यीशु ने कहा मरी नहीं, वो सो रही है। और यहां पर कहता कि उसने कहा चुप हो जाओ, वो मरी नहीं, वो सो रही है। लड़की का यहां लिखा कि सब कुछ ने निकाल दिया, सब कुछ के सबके मुंह को उसने बंद कर दिया और उसने कहा ये हंसी मजाक ठट्टा तो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि यीशु की बातें उन्हें अचंभित कर रही थी। यीशु की बातें उन्हें कह रही थी मरे को यीशु कैसे सो रही है, इसके मतलब गुरु होकर भी अनजान हो रहा है, गुरु होकर भी ऐसा कह रहा है कि वो सो रही है। पर यीशु तो जीवन था, मृत्यु उनके लिए आई थी, मृत्यु उनके समय में आई थी, लेकिन यीशु याईर और पतरस याकूब यूहन्ना के समय में इनके घर में आया है और जहां जीवन आया है वहां मृत्यु रुक नहीं सकती। इसलिए उसने कहा वो सोई है, तुम क्यों रोए हो। सोए हुए के पास यीशु आया यानी मृत्यु चली गई और जीवन वहां पर आ गया था। इसलिए उसने क्या किया, सबको निकाल कर लड़की के माता पिता को साथ लिया ताकि उस चंगाई को और उस जीवन को देख सके और अपने साथियों को भीतर और जहां लड़की पड़ी थी ले लिया, चले गए वो अंदर और सब भीड़ को उसने चुप कर दिया। और हंसी करने वाले ठट्टा करने वाले ठट्टा कर रहे थे, लेकिन अंदर जीवन चला गया था, उस रूम के अंदर जीवन चला गया था, उस कमरे में उस लड़की के पास जीवन चला गया था और मृत्यु बाहर आ गई थी ठट्टा करने वाले के पास। और ठट्टा करने वाले एक दूसरे से कह रहे अरे ये गुरु क्या गुरु है यार, जिसे पता नहीं मरना क्या होता है, लोग मरे की पहचान नहीं है कि वो लड़की मर गई और ये कह रहे हो सो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। वो ठट्टा हम रो रहे हैं बिना मतलब के, हम ऐसे थोड़े रोते हैं, कोई मरता तभी हम रोते हैं, तभी हम अपने आप को मारते हैं जब कोई मरता है, हमें इसकी मजदूरी मिलती है और हमें बुलाया गया है कि लड़की मर गई इसलिए तो हम रो रहे हैं, और ये कैसे कह सकता कि लड़की मरी नहीं वो सो रही है। ये तो भाई मजाक हुआ, गुरु होकर भी मजाक कर रहा है कि लड़की के साथ मरे के साथ भी मजाक कर रहा है, यार अच्छी बात नहीं है। कई बार ऐसा होता है जब कोई मर जाता है कोई कुछ मजाक में बात बोले, बोला अरे शांत हो जाओ थोड़ा, आप सीरियस नहीं हो सकते क्या, आप गंभीर नहीं हो सकते कि यहां कोई मर गया और आप मजाक कर रहे हो और आप ठट्टा कर रहे हो, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, यहां कोई मर गया है, आपको पता नहीं इसको जवान बेटी मरी है, आप क्यों मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन ये अब इसकी हंसी कर रहे हैं, इसकी यीशु मसीह की, कि ये मजाक है, वो सोई नहीं वो मरी है। पर यीशु ने कहा वो सोई है क्योंकि मृत्यु बाहर और जीवन अंदर। अगर आप
जीवन के साथ नहीं तो मृत्यु के साथ। याईर और याईर के लड़की के माता पिता और उसके चेले लोग जीवन के साथ थे और जीवन को अंदर ले गए, जीवन को झील के किनारे से लेकर आए थे और भीड़ को चीरते हुए लेकर आए थे। पर भीड़ के साथ यीशु के साथ आया था और वो यीशु को घर में ले गए। और जब वो यीशु को घर में ले गए तो लिखा कि लड़की से उसने कहा, हाथ पकड़कर, लड़की का हाथ पकड़कर उसने कहा, तलीता कुमी, जो इब्रानी में जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। प्रियो, जब यूहन्ना की किताब उसका पांचवा अध्याय में यीशु उस व्यक्ति के पास गया, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ होना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई मनुष्य नहीं, मेरे पास कोई आदमी नहीं, मेरे पास कोई साधन नहीं, मेरे मुझे उठाकर ले जाने वाला कोई नहीं, मुझसे पहले कोई पहले पानी में उतर जाता है और मैं रह जाता हूँ। यीशु ने कहा, तू चंगा होना चाहता है? उसने कहा, हाँ, पर कोई नहीं। यीशु ने कहा, मैं तुझसे कहता हूं अपनी खाट उठा। और यहां पर यीशु ने कहा खाट, यहां पर यीशु ने कहा उठ। मैंने वीडियो में बताया है, पिछली वीडियो में, और लोगों से मैं कह रहा था कि एक यीशु है जो आपको कहेगा उठ और यीशु है जो कहेगा उठा। पर लोग कहेंगे अरे इसे उठाओ, लोग कहेंगे जल्दी उठाओ, ये मर गया है, मर गई है, जल्दी जल्दी करो। पर यीशु कहेगा उठ, यीशु कहेगा इसे उठाओ, यीशु कहेगा खाट को उठा। और यीशु ने इसके हाथ को पकड़ा और कहा, उठ तलिता कुमी, जिसका अर्थ है, हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। आप सोचिए, जब उसने तलिता कुमी कहा होगा, अगर कोई खिड़की में आंख लगाकर कान लगाकर सुन रहा होगा तो बोला ये क्या कह रहा सोए व्यक्ति से तलिता कुमी। अगर उनकी ये भाषा होगी तो समझ पाएंगे कि हे लड़की मैं तुझसे कहता हूं उठ। और लड़की तुरंत उठकर, मरी हुई लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष की स्त्री ने चंगाई पाई अपनी उस 12 वर्ष से, 12 वर्ष की बीमारी से, उस स्त्री ने 12 वर्ष की बीमारी से। इस 12 वर्ष की लड़की ने जीवन पाया यीशु के द्वारा 12 वर्ष की उम्र में। इसका जीवन 12 वर्ष में खत्म हो गया, उसका जीवन 12 साल की बीमारी खत्म करने जा रही थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो कि 12 वर्ष की थी वो लड़की जो उठकर यीशु के कहने पर उठकर चलने फिरने लगी। आपको भी चलने फिरने के लिए यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह कह रहा है उठ और चल फिर। उस व्यक्ति से कहा खाट को उठा और चल फिर, जिस खाट पर वो पड़ा था उसी से कहा इसी को उठा। पर बहुत लोगों ने विरोध किया, जिस प्रकार से यहाँ पर ठट्टा और मजाक कर रहे हैं, किसका? यीशु मसीह का, जीवन का। कई लोग आज जीवन का मजाक कर रहे हैं, कई लोग यीशु को कह रहे हैं मेरे सीमा से बाहर चला जाए, मेरे सीमाने से बाहर चला जाए। कितनी दुख की बात है कि जीवन को आप अपने घर से बाहर कर रहे हैं, बाइबल को उठाकर अपने घर से बाहर कर रहे हैं, बाइबल को उठाकर आप फूंक रहे हैं जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर है, जो आदि में था और अंत तक रहेगा और उसके अलावा कोई है नहीं परमेश्वर। इसलिए वचन बता रहा कि वो चलने फिरने लगी। इस पर सब लोग बड़े चकित हो गए, बहुत चकित हो गए, हैरान हो गया, चंबित हो गए कि ये क्या, मरी हुई को तूने चंगा कर दिया? अब ये क्या रो रहे होंगे, अब ये चिल्ला रहे होंगे, ये जय जयकार कर रहे होंगे, ये कैसे हो गया, ये तो मर चुकी थी, हमने छानबीन की थी, ये जिंदा नहीं थी। हम भी हंस भी रहे थे कि मरी हुई को कैसे कह रहे हो सो रही है। और कहता कि फिर यीशु ने चिता कर आज्ञा दी, ये चकित हो रहे थे लेकिन यीशु ने उन्हें चिता कर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए। प्रियो आ गया ना, पिछले सेना जिसके अंदर समाहित उसको कहा था जाकर बड़े बड़े काम जो तेरे लिए प्रभु ने दया करके किए हैं लोगों को जाकर बता दे। और इस याईर को कहा, लोगों से कहा यह बात कोई जानने ना पाए और इसे कुछ खाने को दो। प्रियो, जो गहरी नींद में मर गया था या सो गया था और मर चुका था, अब इसे प्रभु कह रहा है इसे खाने को दो, क्योंकि ये मरा हुआ नहीं है, अब ये जिंदा है। जिंदगी की रोटी खाने के लिए जिंदे को रोटी चाहिए, जिंदे को मकान चाहिए, जिंदे को पानी चाहिए। और यीशु ने कहा मैं रोटी हूँ, मैं जीवन हूँ, मैं रास्ता हूँ, मैं सत्य हूँ,
मैं ही सब कुछ हूँ, मैं द्वार हूँ, जो मेरे द्वार में से आया जाया करेगा वो जीवन पाएगा। प्रियो, इस द्वार में यीशु आ गया, इस घर में यीशु आया और जीवन को दे दिया, और ये मरी हुई लड़की जिंदा हो गई। और यीशु ने कहा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, ये लड़की खुद बताती रहेगी। भीड़ ने देख लिया ऑलरेडी, मरी हुई लड़की को जिंदा कर दिया। अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, भीड़ अपने आप बता देगी कि यीशु ने चमत्कार किया है। आप वो ताकत रखें, बस एक बच्चे के लिए प्रार्थना करें और चंगा हो जाए, बस भीड़ उसको देख ले और भीड़ अपने आप बताती रहेगी। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि उसे कुछ खाने को दो। यीशु आपकी खाने की चिंता करता है, मरी हुई लड़की को जिंदा करके उसे चलने फिरने की ताकत देता है, और लोगों से कहता कहने की जरूरत नहीं है, और ये कहता है इसे कुछ खाने को दो। आप भी प्रभु आपके लिए खाने के लिए जीवन की रोटी के रूप में आए कि आप उसे खाइए, जीवन जल के रूप में आए कि आप उसे पिए, मार्ग के रूप में आए कि आप उसमें चलिए, सत्य के रूप में आए कि आप सच बोलिए। प्रियो, क्या ही भली मनोहर बात है कि आप इस वीडियो को देखकर नया बल और नई ताकत पाते हैं। पांचवा अध्याय हम यहाँ पर समाप्त हमने किया है, और इसके वीडियो कई वीडियो हमने बनाए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलता रहेगा कि आप कंटिन्यू इसको देख सकें। आप मेरे लिए प्रार्थना करें कि मैं इस प्रकार की वीडियो बनाता रहूँ, और मुझे परमेश्वर अपनी सामर्थ्य भर के इस्तेमाल करें। मैं इस वीडियो के अंत में आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मरे हुए जीवन को जीवन दीजिए प्रभु, मृत्यु को दूर कीजिए। अगर कोई ऐसी दशा में है, इस वक्त मरने के हालात पर है, उसका जीवन को बदल कर उसके जीवन में आ जाए, क्योंकि आप जीवन हैं, आप सत्य हैं, आप मार्ग हैं, आपको परमेश्वर जीवन का रास्ता है। आप इन लोगों की जिंदगियां बदल दें, इन लोगों के देह प्राण में कार्य कर और इन्हें आशीष दें। और ये हमारी वीडियो निरंतर देखते हैं, तेरे वचन को सुनते हैं, आप इनके हृदय में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार करें, इनके देह प्राण में कार्य करें और इनके जीवन में तेरी आशीष दें। तेरे हाथ में सारी बातें सुनते हैं पिता, प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे, मुझे आप दे इजाजत, फिर मिलेंगे नए वचन में, नए अध्याय में, नई चर्चा के साथ, नई बात के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे प्रभु में और प्रार्थना करते रहे एक दूसरे के लिए। हमारे इसराइल के लिए प्रार्थना करें कि इसराइल में जो युद्ध चल रहा है, जो इस तरीके से उस पर अटैक हो रहे हैं, प्रभु उनकी मदद करें और सब कुछ ठीक हो, किसी की भी जान की हानि ना हो और प्रभु बचा लें। प्रार्थना में निरंतर इसराइल को और हम सबको याद रखिए।